कल से टकला करा दिया जिससे हमारे मुँह छील दिए। भाई मुझे ऐसे लगा कि मस्क मेलन पकड़ा हुआ है तूने। आपको एक नए मेंबर से मिलाते हैं। राज है वो। कौन है वो राज? खतरों के खिलाड़ी। खतरों खिलाड़ी में सांप नहीं मरोड़ना। मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल LOL। आज शुरुआत ही ब्रेकफास्ट टेबल से हुई है। मैं आपको सबसे पहले रात का इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ। सुबह इसने दूध मांगा 5 बजे, तो मैंने जैसे ही बोतल बनाई और मैंने इसकी तरफ देखा, मेरी चीख निकल गई। चीख उसने कहा ये कौन बीच में सो गया हमारे। मैंने हर्ष को उठाया और मैं 5 बजे से हंस रही हूँ इसको देख के। चलिए जी आपको एक नए मेंबर से मिलाते हैं। ये है मुस्कान। हेलो मुस्कान। ये है वही रूपा दीदी की बेटी। रूपा दीदी कल से बहुत खुश है कि उनकी बेटी आई हुई है और बस अपनी बेटी को कभी ये खा ले कभी वो, भले ये उड़ जा यहाँ बैठ जा वहाँ कर ले ये वो सब किया हुआ इनकी बेटी आई हुई है। सो कैसा लगा दीदी आपको कल का दिन अपनी बेटी के साथ बिताया हुआ? और रात बहुत अच्छा। क्या किया रात को? माँ बेटी ने बातें की, सो गए। वाह नाइस। तो फिर इतनी दूर से बुलाया क्यों उसको? बस देखने के लिए। देख लिया? काश आपका बेटा भी आ जाता तो दोनों बच्चों को देख लेते, मजा ही आ जाता है ना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। क्या नाम है उसका? रोहन। रोहन नेक्स्ट टाइम पक्का आना। तुम अहमदाबाद में ही हो, तुम्हारी मम्मी भी इधर ही है, तो नेक्स्ट टाइम पक्का अपने बॉस को बोलना कि 2 घंटे का छुट्टी चाहिए मम्मी से मिलने के लिए, है ना। जब भी कोई लड़का ऐसे करता है ना तो मुझे लगता है कि इसने किया है, तो मुझे डर लगने लग जाता है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। बाबू गिर गया नीचे। हाँ बेटा मम्मा मम्मा के लाभ तो रहे पापा। तो हो गया चाय। अंगूर ये क्या ना? पापा की लाइफ में देख। रूपा दीदी की बेटी और रूपा दीदी बहुत मुश्किल होता है यार बच्चों को छोड़ के जाना और काम करना तो बहुत। रूपा दीदी ये समझती है, मैं अभी समझना शुरू हुई हूँ कि जब मेरा बच्चा हुआ है बच्चे नहीं छोड़े जाते यार। पर शायद मुझे लगता है कि ऐसे बड़े बच्चे छोड़े जाते हैं ऐसे बच्चों को। हाँ जो खा पी लेते हैं ना, मुझे लगता है सब वो लोग बोलते नहीं नहीं सब हो जाता है। अब मुझे एहसास होने लगा कि दीदी भी छोड़ देती है अपने बच्चे क्योंकि बड़े हो गए हैं, अब सब खुद कर लेते हैं। जब गोला मुंह से बोलने लग गया ना कि मुझे नानी के घर सोना है मुझे दादी के घर सोना है, तब मुझे लगेगा कि यस ये बड़ा हो गया है और मैं और हर्ष थोड़ा अपना स्पेंड कर पाएंगे टाइम, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं और हर्ष ने एक साथ अकेले टाइम ही नहीं स्पेंड किया और ना ही हम करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बाबू साथ में हो। सो चलिए जी अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट और यहाँ पे बहुत गर्मी है, जैसे कि पहले भी मैं बता रही थी चुभती जलती गर्मी। रेड अलर्ट है मतलब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल सकता और गर्म पता नहीं क्या। रेड अलर्ट का मतलब यही होता है ना हर्ष? रेड अलर्ट मतलब काम कम करो क्योंकि गर्मी बहुत है। हाँ। तो बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस ये सब बंद है और वैसे तो छुट्टियां चल रही हैं, बट सरकार से यही है कि अगर गर्मी रही तो प्लीज़ और छुट्टियां कर दो, बहुत गर्मी होती है यार बच्चों को यूनिफॉर्म पहननी ये सब पहनना। चले दीदी बॉम्बे? हाँ। मनीषा के पास? हाँ। आए खुश आ गई बेटी आई तो। टकलो हाय मुझे ऐसे लगा कि मस्क मेलन पकड़ा हुआ है तूने, पीछे से ऐसे लग रहा है कि खरबूजा जो ना खरबूजे को पपियां कर रहा है। बाय बाय अहमदाबाद, तुमने मारो बहुत स्वागत करे छे। गुजरात हूँ अभी जावे छे। तू क्या बोल रही है? रूपा दीदी भी बंगाल से थी, वो गुजराती से शादी की उन्होंने और उनको गुजराती आ गई। हाँ 15-20 साल हो गए ना, जब मेरे को 15-20 साल हो जाएगी तुम्हारे साथ तो मैं भी बोलूंगी बद्धा गुजराती बोलू छू, ठीक है। तो हूँ दोबारा आऊ छू तो फिर बद्दू इधर खाऊ छू टाइम बिताऊ छू एंड अभी इधर ना बहुत गर्मी छे
रेड अलर्ट छे इसीलिए फटाफट घर जाए छे बाय छे सात छे आठ छे लेकिन छे 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 ठीक है छे बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ तू भी छे वाला छे गुजराती छे पे है भाई छे दबारो छे हम देखो पंजाबी अस्सी अस्सी जानते हैं अस्सी हम अस्सी पे पहुंच गए बोले बोलो छे नहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे है और इंडिगो फ्लाइट है हमारी ये बहुत ही अच्छी है दोनों वो लड़की भीड़ से भागती हुई आई हमारी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू इंडिगो माइंड ब्लोइंग स्टाफ अरे बाप रे मुन्ना को भी यार इसने कल से टकला करा दिया इसने हमारे मुंह छील दिए बाप की छाती छील दी मेरा मुंह छील दिया और इनका गाल oh, no. सबने कहा था गंजा होने के बाद शांत हो जाएगा ये शांत नहीं तो भड़क गया नहीं है गंजा गंजा कौन ओ गुजराती क्या सुते जासो हमारी बिटिया भी सफर कर रही है और हमारा बेटा भी पांडे जी के बच्चे हाय जैनजी हाउ आर यू एक और जैनजी आई थी मुझे बताना रात को क्या किया माँ बेटी ने पापा है ये मम्मा ये पापा ये मैं को बोल रहा हूँ मम्मा है ये अच्छा ज्यादा बन मत हाँ ये ले लेंगे हाँ भाई ये ले लेंगे जो बच्चे ने खराब किया वो लेंगे आप तो खुश हो गए होंगे जो जो बच्चा पकड़ेगा वो ले लेंगे कुत्ता ले ले बेटा तुम्हें लगता है तुम इसके साथ किताब खरीद सकते हो तुम्हारी किताब पढ़ भी नहीं ट्विटर शेख बनने की कोशिश भी तुमने कैसे की जब से गोला 2 साल का हुआ है इसकी अलग सीट होती है और छोटा सा पैसेंजर है ये छोटे से पैसेंजर अरे बाप रे बोले मामू शोर है गोले के मुंडन के बाद इंडिगो ने गोले का स्वागत किया है गोले देखो कितने सारा गिफ्ट लेके आई जी तो थैंक यू सो मच इंडिगो माइंड ब्लोइंग क्रू है यार ये देखो क्या बात है मैं जब लड़कियों को काम करते देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं भाई इतने इतने घंटे ये खड़ी रहती हैं और मैं बता दूँ कि फ्लाइट जितने घंटे पहले हम जाते हैं उससे डबल घंटे पहले आती है सब टेस्ट वेस्ट होते हैं सब ब्रीफ किया जाता है माइंड ब्लोइंग थैंक यू इंडिगो इतना प्यार देने के लिए और इस सारी लड़कियों को अपग्रेड कर दो मैंने अपने दिल पे लगा लिया इंडिगो को लड़कियों ने मेरा दिल जीत लिया इंडिगो मेरे दिल पे है इंडिगो बहुत अच्छी है यार लड़कियां बहुत अच्छी है लैंड कर गए हैं बॉम्बे लेकिन अभी पार्किंग नहीं मिली इसलिए हम बैठे हमको फटाफट जाना है क्योंकि आज हमारा पॉडकास्ट भी है इसके साथ यस क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी में जा रहा है तो मुझे लगता है कि फटाफट पॉडकास्ट कर लेना चाहिए है ना लेकिन क्या करें भाई अभी तक खड़े किया हुआ है लालू 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 भी बैठी हुई है One hour later. चलिए जी मैं निकल गई हूँ घर से और आज पॉडकास्ट है हमारा अभिषेक के साथ यस सो गाइस अभिषेक आ गया है और अभिषेक अपने मुंह से आपको कुछ कहना चाहता है क्योंकि वो जा रहा है के यानी कि खतरों के अभिषेक कर रस्सी पकड़ फ्लैग ले फ्लैग यस बहुत बढ़िया यस ऐसे करेंगे रोहित सर तो तब बड़ी हिम्मत आती है वेलकम मेरे व्लॉग में अभिषेक मेरा भाई जा रहा है खतरों के खिलाड़ी में अभिषेक की कहना चाहता है बस मैं यही बोलूंगा जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एक बार मेरे लिए प्रे कर देना क्योंकि मेरे लिए प्रेयर्स बहुत मैटर करती हैं सब मम्मियां प्रे करेंगी मम्मियां क्या डैडी भाई सब करेंगे और मुझे अभिषेक की बात बड़ी अच्छी लगी मतलब बिग बॉस से आने के बाद ना जब वो अमृतसर गया तो कितनी सारी आंटियों ने प्यार किया गले लगाए गिफ्ट्स दिए मतलब आशीर्वाद देना ही बहुत बड़ी बात होती जो आपको जानते नहीं लेकिन वो आपको रो रही हैं तो मतलब सोचो कि वो सारी मम्मियां तुम्हें दुआएं देंगी खतरों के खिलाड़ी में
मतलब कोई भी मुझे मिलता है तो यही बोलते हैं कि मेरी मम्मा आपको बहुत पसंद करती है। मैं खुद ही बोलता हूँ प्लीज एक बार वीडियो कॉल करवा दो। सो स्वीट यार मम्मास बॉय। खुद बोलता हूँ एक बार मेरी बात करवा दो। जिम में मुझे इतने लोग बोलते हैं, बोलता हूँ आप जाओ मत, मेरी बात करवा के जाओ। ये तो बड़ा भोला सा लड़का है। और मैं बता दूं कि जैसे बिग बॉस में गुस्सा किया था तो सुनता है तेरे को, ठीक है ठीक है। खतरों खिलाड़ी में सांप नहीं मरोड़ना, मरोड़ देना। मगरमच्छ का मुंह नहीं खोल देना, खोल दूंगा। करेगा करेगा भाई, जाने वाला है लड़का एक दो दिन में, पता नहीं वहां क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, 9 टेक में पति ने कर लिया। खतरों के खिलाड़ी, हम बिल्कुल भी नहीं डरा रहे अभिषेक को, हिम्मत दे रहे। देखा मैंने। क्लॉस्ट्रोफोबिया से डब्बे में बंद कर देते, हाथ बांध देते, कीड़े छोड़ देते, पैकेट बंद कर देते, पानी में फेंक देते, लेकिन आप मरते नहीं हो। बस कितनी हिम्मत दे रही हूँ मैं। ओ गोय फैन मूवमेंट्स, कहते दो ही लोग पसंद है, एक अभिषेक दूसरी उर्फी। उर्फी भी कड़क है यार। ये है अली दादा। अली दादा थैंक यू, पहले तो थैंक यू सो मच। जब मैं हॉस्पिटल एडमिट थी तो उन्होंने मुन्ना से टाइम टू पूछा कि मैम कब होते हैं, फिर जब मैं घर आ गई तो उन्होंने इतना अच्छा कीमा बना के भेजा, और साथ में वो क्या थे बड़े बड़े, उनको भी नहीं याद है, करने लगे नान। तो कहीं खरीद के तो नहीं दिए? अच्छा, ऐसा नहीं कि मैडम बीमार पड़े तभी खाना देना है, मैडम खुश हो तब भी देना, ठीक है। मैं प्रिंसेस थी, ये प्रिंस थे। यार ये बंदा पतला हो गया, पतला हो गया। ये अगर हमारे एडिटर के पास इनके मोटे का फोटो होगा तो प्लीज़ साथ में लगाना भाई। क्या हो गया प्रिंस जी, शादी है क्या? हो गई पक्का? पीछे जी आपने कहा था कोई देखिए मेरे लिए। दोबारा करना चाहते हैं, कहते पैसा इतना कमाता हूँ मैम, 3-3 तो होनी चाहिए। क्या बोला? एक से ही परेशान यार, ये सारे हर्ष जैसी बातें क्यों करते हैं? पहले तो मिलती नहीं लड़की, जब मिल जाए तो फिर उसकी कदर नहीं होती। तुम्हें भी कह दूं, गांव चक्कर लगा के आए हो, अच्छी लड़की ढूंढना, बाद में तुम यहाँ और मैं यहाँ। भाई बहुत थके हुए हैं, ये रूपा दीदी ऐसी हुई है, हमारी आंखें इतनी थकी हुई हैं और हम खुद बहुत थके हुए हैं, क्योंकि सुबह आए, फ्लाइट, एयरपोर्ट, बहुत घंटे लग जाते हैं यार, फ्लाइट भी हो तब भी बहुत टाइम लग जाता है, और फिर आके मैं तो शूटिंग करने गई हूँ पॉडकास्ट का, और अब घर वापस आई हूँ तो चलिए देखें। क्या बड़ा चॉकलेट? रुको, धोखा 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 खाया खाया खाया। ओए टकले, मेरे छोटे, मजा ही आ गया। चलिए मनीषा से पूछते हैं। मनीषा हम लोग घर आ गए, तुझे अच्छा लग रहा है? हाँ दीदी बहुत अच्छा लगा। इसका स्लो ही रहता है। तेरा साबुन स्लो है क्या? हाँ? दीदी बड़ी फ्रेश लग रही है, थकी बिल्कुल नहीं लग रही। क्यों? तो राज है। ओ? क्या है? राज है। वो कौन है वो राज? राज नाम तो सुना ही होगा, मतलब सिगरेट है। सिगरेट? हाँ बेटा, ओके एक्सेस। चलिए जी व्लॉग को एंड करते हैं बच्चे को धोखा देते हुए। जब गोला बड़ा होगा तो कहेगा चॉकलेट के नाम पे किशमिश खिलाया जा रहा है। ओए ओए, बदो बदी बदो बदी, बाय बाय, हैप्पी मुंडन यात्रा। हेलो मैम। ओ इधर करना है। हेलो।